आप सबका इस्तकबाल है टेल न्यूज 247 पर। तेलुगु सैटेलाइट मीडिया रिपोर्टर्स ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन में यूट्यूब चैनल सच न्यूज और उनके चेयरमैन मोहम्मद शरफुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज किए झूठी और गलत न्यूज़ दिखाने सच न्यूज़ पर। तेलुगु सैटेलाइट रिपोर्टर्स और पुलिस पर बेबुनियादी इल्जामात लगाने उन पर शिकायत की गई। तफसलात के मुताबिक सच न्यूज़ पर जुम्मे के दिन यानी कल मीडिया वर्सेस पुलिस एट चार मीनार टाइटल से वीडियो अपलोड की गई यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मुहर्रम के दौरान बताया गया कि पुलिस और रिपोर्टर्स के दरमियान झगड़ा हुआ, जो कि गलत खबर है। रिपोर्टर्स ने तमाम पुलिस ऑफिशियल से गुजारिश किए सच न्यूज़ और सच न्यूज़ के चेयरमैन के खिलाफ सख्त एक्शन जाना चाहिए ये झूठी खबर पब्लिश करने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने टेल न्यूज 247 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। टेल न्यूज 247 के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, टेल न्यूज 247। युद्दीन खान है, मेरे को एमएम खान के नाम से जानते हैं। मैं एचएमटीवी में एज ए रिपोर्टर मैं काम करता हूँ। मैं ओल्ड सिटी से जो है ना वर्क करता हूँ। मैं तो कल जो है ना चार मीनार पे मुहर्रम का कल जो है ना कवरेज के लिए गया था। मैं तो जाने के बाद में वहाँ पे जो है ना हम लोग ऑलरेडी चार मीनार के अंदर हम लोग ठहरे हुए हैं। काफ़ी समय से हम लोग जो है ना अंदर थे, तो उसके बाद से जो है ना मतलब थोड़ा कमिश्नर साहब आए तो कुछ पुलिस वाले आके जो है ना थोड़ा सा लाइटवर्ड से जो है ना मतलब ऐसा ज़रा साइड में आने के लिए बोले, तो हम लोग हट गए थे। लेकिन वहाँ पर कुछ दूसरे रिपोर्टर्स भी थे, लेकिन वो बाद में अरे लटकाई को बताया, बोला अरे नहीं माफ़ी चाहते भाई, वो बाई मिस्टेक जो है ना हो गया बोल के वो लोग भी बोल दिए हो गया खदसा कदम। हम लोग जो है ना फ्रेंडली बात कर रहे हैं अभी पुलिस वालों से, ऐसा कुछ भी मसला नहीं हुआ पुलिस वालों से, कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। लेकिन सच न्यूज़ बोल के एक यूट्यूबर है एक जिसका नाम शरफुद्दीन है, वो अपने आप को चेयरमैन बोलता है सच न्यूज़ का, और वो जो है ना बंदा उसका एक रिपोर्टर था जिसका नाम अजीम, मतलब वो यूट्यूबर जो था वो अजीम जो है कुछ वीडियोज़ निकाल के ख़ास तौर से टारगेट मेरे को बना के जो है ना अजीम ले आके वो शरफुद्दीन को दिया। शरफुद्दीन जो है अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे लिए जो है ना ख़ास तौर से टारगेट बना के उसमें मोतावरी एटीट्यूड फलाना अलाना क्या क्या की बातें करके जो है ना पूरा मेरी इमेज जो है ना डैमेज कर दिया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में नाम है, मतलब जर्नलिज्म में मेरे को हर एक लोग पहचानते हैं। तो मेरे पूरे सेटेलाइट बोल के जो है ना सारे सेटेलाइट चैनल वालों की इमेज डैमेज करा, ख़ास तौर से मेरी भी इमेज डैमेज करा। अब इसमें मसला क्या है बोल तो सारे के सारे लोग वो वीडियो देख रहे हैं मेरे को जो है ना कॉल पे कॉल करके जो है ना मतलब अरे तुम्हारी इमेज डैमेज हो रही, तुम जो है ना ऐसा करेगा ते ना ऐसा तुम्हारे को पुलिस वाले मारेगा ते ना। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ उन्हें, यूट्यूबर जो है ना उसको हक़ नहीं है पहली बात तो उन्हें जो है ना हक ऐसा वीडियोज़ लेके किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेले। उसमें कोई पुलिस वाले जो है ना लट लेके मारे नहीं करे नहीं, हमको कुछ भी नहीं है। इन्हें जो है ना मतलब हमारी इमेज के साथ जो है ना खेलवाड़ कर रहा, हमारी इमेज को जो है ना डैमेज कर रहा, ये बोल रहा है कि लट से मार मार के पुलिस वाले जो है ना इनकी पूरी इमेज डैमेज करे और इनको जो है ना मतलब आने भी नहीं दिए। तो हम ना तो सीपी साहब से बाइट पूछने गए, ना तो हम जो है ना सीपी साहब से कोई बात कर रहे थे, ना कोई पुलिस वालों से हमारा कोई आर्गूमेंट्स हुआ नहीं। तो गैर ज़रूरी हमारे ऊपर जो है ना मतलब ख़ास तौर से मेरे को जो टारगेट बनाया, क्योंकि एक सेटेलाइट चैनल का जो है ना मैं एक सेटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो ये लोग क्या है जब भी कुछ भी वीडियोज़ वगैरह लिए या फिर जो है ना ब्लैकमेलिंग करके वीडियो डिलीट करने के पैसे वगैरह पूछते, तो इसी तरह जो है ना मेरे को भी एक टारगेट बना के करने गया। लेकिन मैं जो है आज साइबराबाद अपना सॉरी साइबर क्राइम में आके कंप्लेंट दिया हमें, हो सकता है मतलब इसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन ले, मेरे को उम्मीद है कि आगे जो है ना फर्दर कुछ एक्शन इसके ऊपर अच्छा स्ट्रांग जो है ना एक्शन लेना। और ऐसे काफ़ी केसेस है, लास्ट टाइम शायद आप लोग को भी पता है वो शादान मिर्ज़ा बोल के है, उसको भी ब्लैकमेल करा था। तो ऐसे कई किस्से जो इसके जो है ना मतलब आगे जो है ना आते गए। तो हमारे को भी वैसे करने के चक्कर में ये जो है ना मेरे वीडियोस अपलोड करके ख़ास तौर से मेरे को निशानदेही करके, और मैं एक और एक आपको मतलब ये बताना चाह रहा था कि एक हमारे पहचानत में से वो बच्ची की भी ज़िंदगी ख़राब करा गैर ज़रूरी जो है ना ऐसे वीडियो अपलोड करके, और वीडियो जब वो लोग डिलीट करने के लिए पूछे तो कुछ पैसों का डिमांड भी करा। तो इस तरह ये लोग हमारे को भी टारगेट बना रहे हैं, जबकि हम भी जो है मतलब हम जो है ना एक सहाफ़ी ब्रदरी से है, हमारा काम है कि हम जो है ना लोगों को सच्चाई बताए और जो है ना उनके साथ सीधा मतलब सच्चाई से जो है ना मतलब उनको हम जो है ना आगे एक